मेरा बेटा रुको। ओ हाँ, कौन है तू बुढ़े, और तेरी जुरत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ तेरा बाप। यार शाहजेब, ये भिखारी तेरा बाप है? और नहीं भाई नहीं, ये मेरा बाप नहीं है, मैं नहीं जानता इस बुढ़े को, खाम खा मुझे इसने अपना बेटा बना लिया है। बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुझे 6 महीने से ढूंढ ढूंढ कर मेरी यही हालत हो गई है। शाहजेब, अगर ये तेरा बाप नहीं है तो इतने दावे से क्यों कह रहा है? और यार मैं आप लोगों को कह तो रहा हूँ ये मेरा बाप नहीं है, इसकी हालत देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी अभी पागल खाने से छूट के आया हो। साथ अफसोस की बात है, तो मुझे अपना बाप भी तस्लीम नहीं करता और साथ ही मुझे आपने पागल करार कर दिया है। यार शाहजेब, अगर वो बुजुर्ग कह रहा है कि तुम्हारा बाप है तो तुम उसकी बात मानते क्यों नहीं? यार तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये किस एंगल से मेरा बाप लगता है? इसका हुलिया तो देख और मुझे देख, ऐसे बुढ़े को तो मैं अपना मुलाजिम ही ना रखूं, बाप तो दूर की बात। बेटा मैं तुम्हारी परेशानी की वजह से लाचार बीमार हो गया हूँ और उधर आपकी अम्मी इंतहाई परेशान है। बेटा ऐसा करो मेरे साथ चलो। यार शाहजेब, मुझे तो इस बुजुर्ग की आंखों में साफ साफ सच्चाई नजर आ रही है और तेरे चेहरे पर तो नकारी नजर आ रही है। अगर वो बुजुर्ग तेरा बाप है तो ये बात तू क्यों नहीं मान रहा? जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज 2 टके आने के बाद तू उसे ही जलील और रुसवा कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ओ मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है, बाकी तू न कर, दफा हो जा यहाँ से। यार शाहजेब, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तू सच्चा है ये। यार पता नहीं तुम लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही, मेरा बाप बचपन में ही फौत हो गया था, ये बुड्ढा मेरा बाप नहीं है। ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाऊंगा। मर जा तू, अच्छा है। अंकल शफकत आप ही हैं? बेटा मैं ही हूँ, वही बदनसीब। शफकत साहब, फौजी रिजवान आप ही का बेटा था जो शहीद हो गया था? हाँ मेरा ही बेटा था। बैंक की तरफ से आया हूँ, गवर्नमेंट ने आपके शहीद बेटे के नाम 50 लाख का चेक दिया है। 50 लाख का चेक? वो ही आपको देने आया हूँ। तो ये 50 लाख का चेक मुझे देना, वो फौजी मेरा भाई था। पहले तो मुझे बाप मानने से इनकार ही था, अभी मेरा वो शहीद बेटा तेरा भाई बन गया है। लगता है तेरी याददाश्त वापस आ गई है इस चेक को देख कर। भाजी कैसी बातें करते हैं, मैं ही तो हूँ आपका बेटा, मैं तो आपके साथ ऐसे मजाक कर रहा था, आप ही तो मेरे बाप है। यार शाहजेब, तेरा बाप तो बचपन में नहीं फौत हो गया था? और जा बाड़ परे अब्बा जी। मुझे तुम जैसे लानती और लालची बेटे की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और चेक मुझे दे दो। अब्बा जी प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, अब मैं आपका एक ही तो बेटा बचा हूँ और आप इस उम्र में इतने पैसों का करेंगे क्या? मैं तेरी तरह लालची नहीं हूँ, ये लो चेक, ये यतीम खाने में और ओल्ड हाउस में डोनेट कर देना। अब्बा जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है और मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। भाजी प्लीज मुझे माफ कर दे। जा दफा हो जा। आजा चले। पचार जा, तू अपने बाप का नहीं हो सकता, मेरा क्या हो सकता है? पैसा जरूर कमाए लेकिन पैसे से दिल न लगाए, ये ना हो कि आप अपने सभी रिश्ते भूल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।